और खबर बस्तर जिले से है, जहां पर नक्सल प्रभावित तीन जिलों के प्रभारी और राजस्व मंत्री दो दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सुकमा और बीजापुर जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, जहां बैठक में डीएमएफ फंड से स्वीकृत विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा कलेक्टरों को स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। वहीं मंत्री ने फरसगांव के नायब तहसीलदार को निलंबित करने के साथ ही पांच अन्य नायब तहसीलदारों को नोटिस जारी कर कार्य में लापरवाही करने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही केंद्रीय बजट पर कहा है कि छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार ने इस बजट में कुछ भी नहीं दिया है। जो समीक्षा बैठक हुई उसमें भी स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा ऐसी बहुत सी चीजें हैं, आपका पेयजल जो समस्याएं आई या जिन चीजों की कमी है उसको डीएमएफ फंड से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस जिले के